नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है मीनिंग्स ऑफ नेम। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं निहित नाम का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैंने निहित नाम पर मैंने रिसर्च किया है, तो दोस्तों रिसर्च में मुझे जो भी मिला है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा बात बता दूंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों निहित नाम का मतलब होता है दोस्तों, होता है भगवान को या भगवान का उपहार को दोस्तों हम लोग निहित कहते हैं, या दोस्तों निहित को भी दोस्तों हम लोग निहित ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जान लेते हैं निहित नाम के लड़कों का दोस्तों शुभ धर्म क्या होता है। तो मैं बता दूँ दोस्तों, वो होता है हिंदू धर्म निहित नाम के लड़कों का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी जान लेते हैं निहित नाम के लड़कों का दोस्तों लकी नंबर क्या होता है। तो मैं बता दूँ दोस्तों, वो होता है 6, यानी 6 होता है दोस्तों लकी नंबर निहित नाम के लड़कों का। शुभ रंग की बात कर लेते दोस्तों, शुभ रंग क्या होता है। तो मैं बता दूं, वो होता है उजला, लाल, चॉकलेट, नारंगी या पीला। ये कलर को दोस्तों निहित नाम के लड़कों को दोस्तों अपने वस्त्र में धारण करना चाहिए, जिससे कि दोस्तों कोई दूसरा व्यक्ति उनको देखता है तो दोस्तों उनको बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है दूसरे व्यक्ति पे। शुभ दिन की बात कर ले दोस्तों, मैं बता दूं शुभ दिन क्या होता है निहित नाम के लड़कों का। तो वो होता है दोस्तों मंगलवार। दोस्तों अगर आपका नाम निहित है दोस्तों, आप मंगलवार के दिन कोई भी शुभ काम करिए, उससे क्या होगा आपका काम बहुत ही आसानी और सफलतापूर्वक से हो जाएगा। रुका हुआ काम दोस्तों आपका मंगलवार के दिन हो सकता है अगर आपका नाम निहित है तो। शुभ पत्थर की बात कर ले दोस्तों, मैं बता दूँ वो होता है मूंगा। इस पत्थर को दोस्तों निहित नाम के लड़कों को अपने हाथ में अंगूठी के रूप में पहनना चाहिए, जिससे कि दोस्तों उनका दिन खुशनुमा बीतता तो है लेकिन दोस्तों उनका दिन का शुरुआत ही बहुत अच्छा होता है इस पत्थर को अपने हाथ में धारण करने से। सबसे जरूरी बात कर लेते दोस्तों कि निहित नाम के लड़के किन किन क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, वो सेना में जा सकते हैं, शस्त्र संबंधित कार्य में जा सकते हैं, या दोस्तों पुलिस हो गया, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, सोशल सर्विस कर सकते हैं, या राजनीति के भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज के वीडियो। दोस्तों आपको भी किसी नाम का अर्थ या नाम के बारे में कुछ जानना है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नाम के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।